What a fantastic news kya hai ki sham ho gaya hai aur drizzling ho rahi hai. Baba, is mausam mein barish, crazy it is, yeah, amazing weather. Let me show you. Guys, it's actually drizzling, Baba. बहुत amazing weather है. इस time पे सिर्फ घर में बैठो, गरम-गरम पकोड़ियाँ तल लो और चाय पी लो. Oh my God. पर But I'm taking a walk. शाम की walk ले रही हूँ. फिर थोड़ी देर में मेरी cab आ जाएगी तो फिर मैं ऑफिस के लिए निकल जाऊंगी एंड इट रियली इज अमेजिंग यार फॉर श्योर. आज जिनकी छुट्टियां हैं एंजॉय कर लो. हैदराबाद में स्पेसिफिकली आज तो अमेजिंग वेदर है बहुत ही ज़्यादा. तो ठीक है, मैं थोड़ी देर में आपसे मिलती हूँ. हेलो गाइस, सो मैं घर आ चुकी हूँ और अभी टाइम मैं पूछूंगा क्योंकि हमेशा मेरे टाइम्स जो मेरा टाइम होता है पैटर्न होता है वो काफ़ी वियर होता है. तो रात हो चुके हैं एंड आज थोड़ा लेजी सा दिन है. मुझे मेरी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं लग रही है मुझे एंड दो तीन दिन से मुझे लगातार सिर में काफ़ी दर्द है. तो आई गेस मुझे अपना आई साइड पर चेक कराना पड़ेगा. तो आई थिंक मैं अपनी छुट्टी में जाऊँगी वो कराने. सो मुझे डिनर प्रिपेयर करना है एंड लेट्स सी मैं डिनर में क्या बनाऊँगी. मैंने कुछ सोचा तो नहीं है, कुछ हल्का फुल्का ही मैं बनाऊँगी. मैंने मूसली खा ली है, वो मेरा एक मतलब एक प्रॉपर रूटीन है जो मैं आकर फॉलो करती हूँ. जब मैं ऑफिस से आती हूँ तो मुझे उसमें भूख लगी होती है तो सबसे क्विकेस्ट चीज़ जो मुझे लगती है वो है दूध उबालो, मूसली डालो, खा लो. तो मैंने वही थोड़े से खा लिया तो आई एम क्वाइट फुल अभी. और मुझे अपना रूम थोड़ा अरेंज करना है, रूम काफ़ी मेसी है. सो आज अभी मैं बैठ कर वही कर लेती हूँ और काम है जो कभी ख़त्म नहीं होता. तो मैंने सोचा कि आज रूम थोड़ा अरेंज कर लेते हैं क्योंकि जब हम लोग उठते हैं ऑफिस के लिए तैयार होते हैं तो जल्दी जल्दी झटपट झटपट सारा काम कर लेते हैं एंड बेड जो है और रूम की जो सफाई होती है वो उस समय मैं नहीं कर पाती. तो मैं जब ऑफिस से आती हूँ तब मैं वो काम कर लेती हूँ. तो अभी मुझे वही करना है, थोड़े बहुत चीज़ें अरेंज करके मैं रख लेती हूँ, बेड को थोड़ा अरेंज कर लेती हूँ एंड फिर मैं डिनर बनाऊँगी. सो चलिए स्टार्ट करते हैं सफाई अभियान. वैसे तो स्वच्छता हर जगह होनी चाहिए, सफाई हर जगह होनी चाहिए, पर तो बहुत ज़्यादा सफाई प्रोन नहीं हूँ मैं बिल्कुल भी, टू बी वेरी ऑनेस्ट. अगर थोड़ी बहुत अगर इधर उधर गंदगी रह जाए तो मुझे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है. आई थिंक वो जो बैचलरहुड आपकी रहती है ना वो मेरे में है. प्रॉपर जो गृहिणी होती है ना, प्रॉपर मतलब यूजली जो हाउस वाइफ होते हैं या जो होम मेकर्स होते हैं या कुछ वर्किंग वुमेन भी मैंने देखा है, बहुत कुछ स्पेसिफिक मतलब लोग होते हैं जिन्हें सफाई मतलब क्रेजीली पसंद है, वो बिना सफाई के रह नहीं सकते हैं. एंड हैट्स ऑफ टू देम, आई डोंट नो हाउ दे डू इट, पर मेरे बिल्कुल भी हिसाब की ये चीज़ नहीं है. इनफैक्ट हम लोग की मम्मा लोग हैं, सब लोग मतलब हर दिन सफाई में लगे रहते हैं एंड पता नहीं कैसे करते हैं, आज तक करते हैं. आई डोंट नो हाउ दे डू इट. सो आई थिंक वुमेन पावर से ज़्यादा आई थिंक इन लोगों में ज़्यादा पावर है. बींग अ वुमन माई सेल्फ, आई डोंट फील कि मैं उतनी पावरफुल हूँ कि मैं सब काम इकट्ठे कर लूँ, हर दिन मतलब सफाई कर लूँ, हर दिन खाना बना लूँ, हर दिन बर्तन कर लूँ, ऐसी मतलब मुझ में पावर तो नहीं है. बट या कभी कभी मैं मतलब वीक में दो तीन बार मुझे सफाई करना ठीक लगता है, मतलब ठीक ठाक साफ, बहुत ज़्यादा अरेंज भी नहीं, मतलब मुझे फ्रीकीनेस लगता है, मुझे लगता है ये मेरा घर ही है. तो थोड़ी बहुत मैसी चीज़ें होनी चाहिए तो वही मेरा डिस्क्रिप्शन भी है. मैं भी उतनी ही मतलब मैसी हूँ और इतनी ऑर्गेनाइज नहीं हूँ. तो ठीक है, चलता है यार, सब में फ्लॉ होता है. आई थिंक मेरा ये फ्लॉ काफ़ी अच्छा है मेरे लिए.
क्लीनिंग हो गई है, मैंने पोछा भी मार दिया है, तो लगे हाथ दोनों काम हो गया मेरा। और अब हल्की हल्की गर्मी होने शुरू हो गई है हैदराबाद में, दिन में गर्मी होती है काफ़ी और रात में मौसम ठीक ठाक सा होता है। एंड मैंने आपको अपने रूम का ग्रीन भी अच्छा नहीं दिखाया ना, क्योंकि मैं आपको दिखाती हूँ, इट्स सो क्यूट। हम लोग दिल्ली से लेकर आए थे इसको और रेड कलर का है एंड बहुत ही सुंदर है, बहुत ही ज़्यादा। जब भी मैं यहाँ बैठती हूँ मैं हमेशा इस ड्रीम कैचर को देखती रहती हूँ पूरे टाइम, सो इट्स रियली रियली अमेजिंग। और क्या, प्यास लग गई बहुत ज़्यादा तो मैं पानी जाके पी लेती हूँ। मैं मूसली खाने के बाद मैंने पानी नहीं पिया, मैं एटलीस्ट हाफ एन आवर वेट करती हूँ पानी पीने के लिए, तो जल्दी से पानी पी लेते हैं एंड कुछ बनाना शुरू करती हूँ मैं, काफ़ी टाइम हो रहा है। तो डिनर मैं थोड़ा सिंपल रखूँगी आज, क्योंकि आज से तो बहुत ज़्यादा पेन है, बहुत ही ज़्यादा। मैंने सोचा था कि आकर ना तुरंत मुझे किचन में जाने का मन नहीं हो रहा था, तो फिर मैंने सोचा थोड़ा रूम ही अरेंज कर लेते हैं, तो ज़्यादा कुछ नहीं करना था, सिर्फ बेड को थोड़ा ठीक करना था और जैसा आपने देखा होगा और झाड़ू लगा के पोछा लगा था, बस तो वो काम मैंने कर लिया है। बस वैसे मेरा आपको मेरा ये टॉप कैसा लगा आप मुझे बताइएगा, आपने देखा होगा वीडियो में, देखिए उसकी ऐसे बेल्स लीव्स है, मुझे बहुत पसंद है ये टॉप, बहुत ज़्यादा। ये मैंने वेबसाइट से वेबसाइट की है, हाँ, लुल्लू एंड स्काई वियर्ड नेम लुल्लू। जब भी मैं ये बात बोलती हूँ ना लुल्लू सुन के बाप रे, मुझे पता नहीं क्यों खुदबुदी सोने लगती है अचानक से, लुल्लू के साथ स्काई। ऐसे वेबसाइट का नेम थोड़ा क्रेजी है बट कभी कभी इस पर अच्छे स्टफ मिल जाते हैं मुझे, मैंने दो तीन आइटम ऑर्डर किए हैं वहाँ से, मुझे स्टफ अच्छा लगा होता, तो उनका वेबसाइट चेक करना हो तो आप जा सकते हैं। एंड आजकल तो काफ़ी डिस्काउंट चल रहे हैं, एंड ऑफ सीजन सेल चल रहा है, हर जगह चल रहा है कुछ ना कुछ, तो शॉपिंग करिए अगर कुछ ओकेजन आ रहा है तो, हाँ परचेस करिए, क्योंकि अभी इसी वक्त इस टाइम पर आपको बहुत अमेजिंग डिस्काउंट मिल जाएंगे कोई भी जगह पर चल रहे हो। हेलो, सुनो आ गए, आ गए, सुनो आ गए, हाँ सुनो सुनो आ गए, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? मैं अपना ड्रीम कैप्चर दिखा रहा हूँ और वॉल को दिखा रहा हूँ, उस पे गोल गोल बॉल्स लगे लाइट बॉल। सो गाइस नहीं बोलने वाली हूँ मैं, मेरे हबीजर बहुत मजाक बना रहे हैं मेरा कि सो गाइस कितने बार बोलती हूँ तुम, सो गाइस सो नहीं बोल रही मैं, यो गाइस बोलूंगी मैं, सो गाइस फुर्सत ले ली मैंने, रिटायरमेंट ले ली सो गाइस से। तो अब मैंने जैसा आप देख रहे हो मैंने मेकअप उतार लिया, बहुत पहले उतार लिया, मैंने मुंह धो लिया था, बहुत ज़्यादा हैवी लग रहा था और सिर में दर्द भी हो रहा था, तो इसलिए मैंने मेकअप उतार लिया। हबी जी भी आ गए तो अब उनका जलपान कराया जाए एंड हमें भी थोड़ा आराम करना है। अब हम इस व्लॉग को कंक्लूड करते हैं, हमारे हबी जी ने चेंज कर लिया है, लाल लाल हो गए, अभी अगर सांड के सामने रख दो तो खदेड़ देगी इनको। ओके गाइस, तो अब हम इस व्लॉग को कंक्लूड करते हैं एंड हबी जी का भी मजाक उड़ गया भाई, रोज से फटा है, दिन में एक बार तो होना चाहिए ना, इतना मैं अपना रोज उड़ाती हूँ, इनका एक बार तो बनता है भाई। तो अब इस व्लॉग को कंक्लूड करते हैं एंड तब तक खुश रहिए। कितनी बार कंक्लूड हो रहा है? अब कंक्लूड हो रहा है, फाइनल कंक्लूजन कर रही हूँ मैं, बहुत ज्यादा बोल रही हूँ, बहुत ही ज्यादा।
तो अब इस व्लॉग को कंक्लूड करते हैं, फिर मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में। और अगर आपने वो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन हिट नहीं करा है तो कर लो जल्दी से, फ्री है भाई, बिल्कुल फ्री है, इट वुड मीन अ लॉट टू मी। वो लाइक बटन भी जरूर क्लिक कर देना, थम्स अप तो दे दो, अच्छा वाला थम्स अप दे दो, और एक प्यारा सा कमेंट प्लीज। सो लेट्स मीट यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, और बस।